शहर के खगड़िया में बड़ा हादसा हुआ है। खगड़िया सहरसा रेलखंड पर धमारा हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आने से 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। पटरी पार करने के दौरान ये लोग राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए थे। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रेन की कई बोगियों को फूंक दिया है। दरअसल भारी तादाद में लोग सोमवार की पूजा में शामिल होने के लिए कात्यायनी मंदिर जा रहे थे। खगड़िया के धवारा घाट हॉल्ट पर पटरी पार करते हुए श्रद्धालु राजवरानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसे के बाद हाहाकार मच गया, लोगों का गुस्सा ट्रेन पर फूट पड़ा। बिहार के लखीसराय में भी ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। यहाँ के मनकट्ठा हॉल्ट के पास पटरी पार करने के दौरान ये लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। ये सभी अशोक धाम में पूजा करने जा रहे थे तभी हादसा हो गया। लखीसराय के मनकट्ठा के पास हुए हादसे के बाद लोग काफी उग्र हो गए। पटना हावड़ा रूट बाधित हो गया, कई ट्रेनें जहां की तहां रुकी हुई हैं। बिहार के भागलपुर में भी दर्दनाक हादसा हुआ है। सबौर इलाके में कुएं में गिरी एक बकरी को निकालने के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। पहले एक बच्चा बकरी निकालने कुएं में उतरा, जब वो बेहोश हो गया तो 3 और लोग नीचे गए, लेकिन सभी की दम घुटने से मौत हो गई। वही राजधानी जिले में बदमाशों ने खूनी खेल खेला है। विवेक विहार इलाके में कारोबारी और उनके 3 नौकरों की हत्या कर दी गई। बदमाश लूटपाट के इरादे से आए थे जिसका विरोध करने पर 4 लोगों की जान ले ली गई। बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जूदेव के निधन पर लोकसभा के सांसदों ने शोक प्रकट किया। सांसदों ने जूदेव की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट तक सदन में मौन भी रखा। इसके बाद स्पीकर मीरा कुमार ने लोकसभा को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया। 20 अगस्त को फूड सिक्योरिटी बिल पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। 20 तारीख राजीव गांधी की जयंती भी है और कांग्रेस चाहती है कि इसी रोज बिल पर बहस करवाकर इसे पास कर लिया जाए। सोनिया गांधी भी इस बिल पर अपनी बात रख सकती हैं। यूपी को स्पेशल स्टेटस देने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित भी हुई। उधर बीजेपी ने कोयला घोटाले की गायब फाइलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलें गायब होने पर बीजेपी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीए सरकार में कुछ भी हो सकता है। ये सरकार में कुछ भी गायब हो सकता है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा करना ही उचित नहीं होगा। क्या आपको याद होगा आदर्श स्कैम के संदर्भ में भी महाराष्ट्र में कुछ फाइलें जलाए आए। कोयला घोटाला मामले से संबंधित फाइलें गायब होने की बात कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल खुद पहले ही कबूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुम फाइलों की तलाश और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। मौजूदा मानसून सत्र में राज्यसभा में लोकपाल बिल पर चर्चा होने की संभावना है। पीएमओ में मंत्री नारायण सामी ने कहा कि इस बाबत उन्होंने एक नोटिस भी दिया है। लोकसभा में लोकपाल बिल पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में अटका पड़ा है। आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री एके एंटनी बयान भी दे सकते हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग को लेकर सदन में बयान देने वाले हैं। पाकिस्तानी सीमा पार से आतंकियों की आड़ में एक बड़े हमले की तैयारी चल रही है। ये खुलासा हुआ है एक सैटेलाइट इमेज से जिसे बीएसएफ ने थर्मल इमेजर के जरिए लिया है। इस तस्वीर में कुछ आतंकियों की हरकतें कैद हुई हैं। सैटेलाइट इमेज में धुंधली तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें कुछ आतंकी सीमा पार करने की कोशिश में जुटे दिख रहे हैं। आतंकियों का यह जत्था जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कृष्णा घाटी की तरफ से घुसपैठ की कोशिश में था। आतंकियों के जत्थे को एलओसी की तरफ आते हुए देखकर बीएसएफ के जवान मुस्तैद हो गए। जैसे ही आतंकी कुछ करीब आए जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद डरकर ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ लौट गए। पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात आर्मी और बीएसएफ के जवानों को घुसपैठ के साथ साथ बाढ़ की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर आई बाढ़ के चलते रामगढ़ सेक्टर में लगी 1.5 किलोमीटर लंबी बाढ़ बह गई। भारी बारिश और बाढ़ के चलते रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की चौकी भी बह गई। बाढ़ की वजह से सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को काफी मुसीबत भी झेलनी पड़ रही है। फिर भी ये जवान देश की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। आतंकी अब्दुल करीब टुंडा भारत में आतंकी मिशन पर आ रहा था। वो लश्कर ए तैयबा के प्लान की समीक्षा करने आ रहा था, उसे कश्मीर भी जाना था। टुंडा ने खुलासा किया है कि देश भर के 17 जगहों पर वो धमाका करने की तैयारी में था।
आतंकी टुंडा के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल की 17 अहम जगहों को टारगेट किया जाना था। इसमें धार्मिक स्थलों से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक शामिल है। इससे पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने फिर से हमले की धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टुंडा ने कहा, जेल से बाहर आने पर वो फिर धमाके करेगा, साथ ही अपने किए पर टुंडा को कोई पछतावा भी नहीं है। उधर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ में माना कि उसकी हाफिज सईद से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में बैठा जमातु दावा का चीफ हाफिज सईद ही मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। अब्दुल करीम टुंडा ने पूछताछ में यह भी कबूला कि उसे 26/11 मुंबई हमले की पहले से जानकारी थी। हालांकि उसने ये भी कहा कि मुंबई में हुए आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए अब्दुल करीम टुंडा ने हाफिज सईद और आईएसआई का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। पूछताछ में टुंडा ने बताया कि हाफिज को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पूरी मदद मिलती है। अब्दुल करीम टुंडा ने हाफिज सईद के साथ हुई बातचीत का भी खुलासा किया है। टुंडा का कहना है कि हाफिज भारत में धमाका करने के लिए उकसाता रहता था। हाफिज पीओके के टेरर कैंप और एलओसी पर भी जाता था और हमले के लिए उकसाता था। टुंडा ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर जकीर रहमान लखवी से लाहौर में मिलने की बात भी कबूली है। टुंडा ने कहा कि लखवी भारत के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि 26/11 मुंबई हमले के बाद से वो लखवी से नहीं मिला है। बिहार के बोधगया मंदिर में हुए सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए ने दरभंगा से दो लोगों को हिरासत में लिया है। दरभंगा पुलिस और एनआईए की टीम ने दरभंगा के ग्रामपुर गांव में छापा मारकर दो लोगों को पकड़ा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को बीती रात कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतार लिया गया। आदित्यनाथ गोरखपुर से झांसी एक मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने माहौल खराब होने का हवाला देते हुए उन्हें कानपुर में ही रोक लिया। कुशीनगर एक्सप्रेस से सांसद योगी आदित्यनाथ झांसी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ट्रेन जैसे ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन उतरी भारी तादाद में पुलिस वाले वहां मौजूद थे। उन्हें जब ट्रेन से उतारा जा रहा था तो स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए भगदड़ भी मच गई। कानपुर पुलिस ने ट्रेन से सांसद योगी आदित्यनाथ को उतारकर उन्हें उन्नाव पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के आदित्यनाथ ने यूपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उत्तर प्रदेश सरकार की अराजकता, इस सरकार की उदंडता और उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और गुंडा राज प्रदर्शित करता है। सलमान खान हिट एंड रन मामले में मुंबई के सेशन कोर्ट में अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सलमान खान पर आरोप तय किए गए थे, लेकिन नए जज के आने के चलते केस को समझने में वक्त लगेगा, लिहाजा सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी गई। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कड़ी टिप्पणी की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि क्या मोदी और बीजेपी का ये नारा फांसीवादी नहीं है? सभी गैर बीजेपी और गैर सांप्रदायिक पार्टियों को इस पर जवाब देना चाहिए। दिल्ली में रविवार को हुई बीजेपी की अहम बैठक में लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। मोदी ने चुनाव प्रबंधन पर भाषण दिया था जिसके आडवाणी मुरीद हो गए। बैठक में आडवाणी ने मोदी की तारीफ की तो नरेंद्र मोदी गदगद हो गए। मोदी ने बैठक के बाद आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। कहा जा रहा है कि मोदी आडवाणी को पूरी तरह से मनाने में जुटे हुए हैं। बैठक से खबर मिली कि बीजेपी यूपी की 45 से 50 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम 15 सितंबर तक घोषित कर देगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में मोदी ने कहा कि बीजेपी को कल मुस्लिम आबादी में 20 से 25 फीसदी मुसलमानों पर फोकस करना चाहिए। यह आबादी पसमानदा मुसलमानों की है जो कि गरीब और पिछड़े हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात में भी हमें गरीब मुसलमानों का समर्थन मिला है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी ने बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर तैयारी करनी होगी और नए मतदाताओं को वोट देने के लिए बूथ तक लाना होगा। बीजेपी अब मिशन 272 प्लस पर काम करेगी, यानी कि बीजेपी अपने बूथ बहुमत के आंकड़े 272 को पार करना चाहती है। बीजेपी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, अब हमें 272 से ज्यादा सीटें हासिल करने पर जोर देना होगा।
बिहार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए जो प्रस्ताव पास किया उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। रविवार को ही बैठक में राजनाथ था कि प्रस्ताव पास करने से पहले सुशील मोदी को केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी। रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को सस्ती दरों में प्याज बेचने के लिए सड़क किनारे ही स्टॉल लगाए। दिल्ली सरकार के 50 रुपए किलो प्याज के जवाब में बीजेपी ने 40 रुपए किलो के हिसाब से प्याज की बिक्री की। वाराणसी में प्याज की बढ़ी कीमतों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में प्याज और पोस्टर लेकर बढ़ी कीमतों के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी को जिम्मेदार ठहराया। लालू यादव के साले और वर्तमान में कांग्रेस नेता साधु यादव के मोदी से मुलाकात ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद ने कहा कि साधु की अपनी कोई पहचान नहीं है, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए बीजेपी और कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए। नेता के लर्जर क्षेत्र बन गए पोस्ट वोस्ट पर और कहूँ नहीं कोई पूछ रहा है तो कांग्रेस में है तो कभी दिल्ली है तो कभी अन्य है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रेप पीड़ितों के मुआवजे के लिए कॉम्पनसेशन चार्ट बनाया है। उमर ने रेप पीड़ितों को 2 लाख, नाबालिग रेप पीड़ित को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस योजना से उमर विपक्ष के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर आ गए। इस मामले पर विवाद बढ़ता देख उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए कदम उठाया है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत संदर्भ में देख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये लोग बीजेपी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुए अश्लील डांस से नाराज हैं। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक करण सिंह तंवर भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर जोर देकर कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। दरअसल पीएम प्रत्याशी के लिए शिवराज का नाम भी उछल जाता है, लेकिन शिवराज का कहना है कि उनकी नजर मध्य प्रदेश में फिर से पार्टी को सत्ता में लाने की है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सागर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की, साथ ही अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस भी रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अगुवाई में पार्टी इस रथ यात्रा की तैयारी में जुट गई है, जो हर जिले से गुजरेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कोरबा में फिर एक बार अपनी पार्टी को अपने जनाधार का एहसास कराया। 11 तारीख को अजीत जोगी ने ऐसी एक जनसभा का आयोजन कर ये जता दिया था कि प्रदेश में उनसे बड़ा दूसरा कोई कांग्रेसी नेता नहीं है। पार्टी में अलग थलग पाने के डर से अजीत जोगी लगातार ऐसी सभाएं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही राज्य में सुशासन का दावा करते हों, लेकिन नीतीश के वीआईपी विधायकों और सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया है। नीतीश ने 22 हवलदार और 555 कांस्टेबल देने का आदेश दिया। यूपी के शामली में गैस की कालाबाजारी को लेकर पुलिस की सुस्ती के खिलाफ आवाज उठाना लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस वालों ने ऐसे लोगों को पकड़कर जमकर पीटा और उठक बैठक भी करवा दी। हरियाणा के यमुनानगर में लड़कों की छेड़छाड़ और घर की परेशानियों से तंग आकर दो बहनों ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। छोटी बहन को तो आसपास मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन बड़ी बहन का कुछ पता नहीं चल पाया। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लुटेरा अमेरिकी महिला पर हमला करने के बाद उसका मोबाइल फोन छीनकर चंपत हो गया। लुटेरे के हमले में घायल महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार घटना रविवार शाम उस समय की है जब ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाली थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गाड़ी से रविवार को कई लोग बाल बाल बच गए। तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार बेकाबू होकर दूसरी कार के ऊपर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। गाजियाबाद में हरिंदर नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि राखी खरीदने को लेकर हरिंदर और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद हरिंदर ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। हापुड़ के कासिमपुर इलाके में महज 1500 रुपए के लिए छोटू नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई। यहां गुटों में 1500 रुपए को लेकर हुए विवाद में गोलियां चल गई। इसी फायरिंग में छोटू को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मेरठ में पत्नी से झगड़ा होने पर बंटी नाम के शख्स ने पत्नी के साथ साथ सास और साली को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के आजमगढ़ में डायरिया महामारी की तरह फैल रही है। इस बीमारी से अब तक यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कानपुर में कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार शुभी और महेंद्र की रीति रिवाजों के साथ शादी हो गई। कुछ महीने पहले अलग अलग जाति से संबंध रखने वाले इन दोनों ने मंदिर में शादी की थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने लड़के पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवक को फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। एक धर्मगुरु के खिलाफ इस लड़के ने अश्लील कमेंट किया था, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने इसकी पिटाई कर दी, फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। ससुराल में जींस पहनने पर रोकटोक से नाराज होकर भोपाल में एक महिला थाने जा पहुंची। इस महिला का कहना है कि वो 2 साल से अपने ससुराल इसलिए नहीं गई क्योंकि वो जींस पहनना चाहती है। इस महिला के पति का मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सुल्तानगढ़ फॉल देखने गए पर्यटक मुसीबत में फंस गए। सुल्तानगढ़ फॉल के पानी के तेज बहाव में 3 पर्यटक बह गए, जबकि करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 19 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली के रोहिणी में पूर्व एसीपी सत्यवीर दहिया का शव संदिग्ध हालत में उनके घर पर मिला। उनके शरीर पर 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस ने हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी है। गुड़गांव के डीएलएफ इलाके में एमजी रोड के पास कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस मासूम को कौन यहां फेंक गया, अब इस बात का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। दिल्ली में सोमवार की सुबह एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का एक बार फिर चलना फिरना मुश्किल हो गया। बारिश ने एक बार फिर से दिल्लीवासियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। सुबह हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे वर्किंग डे पर लोग परेशान रहे। दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश हुई। गाजियाबाद के कई जगहों पर पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सिरायू तहसील के पथराला गांव की ये दीवार गिर पड़ी। रविवार को ही मूसलाधार बारिश के चलते मुगलसराय में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। पानी भरने के चलते इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हो गया और कई गाड़ियां बीच में ही रुक गईं। ट्रेनों की रफ्तार पर भी बारिश के चलते ब्रेक लग गए। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि आपदा पीड़ित सभी परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है। हालांकि अभी उन 28 मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। फरीदाबाद में राज्य के श्रम मंत्री शिवचरण लाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन श्रम मंत्री को इसकी कोई सुध नहीं। उनका कहना है कि उनके इलाके में हालात सामान्य हैं। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के पांडव नगर में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लोगों को पानी नसीब हुआ। रक्षाबंधन के दिन दिल्ली और एनसीआर में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने इस साल भी रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करने का तोहफा दिया है। पटना की सड़कों पर रविवार के दिन महिला ऑटो ड्राइवर भी नजर आई। यहां ऑटो एसोसिएशन की पहल पर 8 महिलाएं प्रीपेड ऑटो चला रही हैं। जयपुर में रविवार को एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना। यहां 20 इंच की दुनिया की सबसे छोटी महिला ने 30 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी किताब का विमोचन किया। नागपुर की रहने वाली ज्योति की उम्र 22 साल है और किताब जैन मुनि के कड़वे प्रवचनों पर आधारित है। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम लड़ाकू विमान उड़ाने वाला पायलट बनाना चाहते थे। अपनी नई किताब माय जर्नी में उन्होंने लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इस टेस्ट में 9वें नंबर पर कलाम आए थे। रांची स्थित बिरसा जैविक उद्यान प्रशासन को फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा और टीम इंडिया के कैप्टन धोनी का बेसब्री से इंतजार है। ब्रांड एम्बेसडर धोनी हैं और प्रियंका चोपड़ा पिछले 2 साल से यहां के जानवरों को गोद लेती आई हैं, लेकिन इस साल अभी तक दोनों यहां नहीं आए। आज सावन का आखिरी सोमवार है। आज के दिन शिव पूजा का खास महत्व माना जाता है, जिसे देखते हुए सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।
सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के बाद विशेष पूजा के लिए शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भस्म आरती और बाबा का पंचामृत अभिषेक तड़के से ही शुरू हो गया था। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी में बसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी शिव पूजा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिव भक्त सुबह से ही शिव पूजा में जुटे हुए हैं। लखनऊ के शिव मंदिरों में भी सुबह से ही शिव भक्त पूजा में जुटे हुए हैं। यहां मनकामेश्वर मंदिर में लोगों ने शिवलिंग का दुधाभिषेक किया और बाद में बेलपत्र और फूलों से शिव का श्रृंगार किया। बिहार में भी शिव भक्तों का खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको पटना के बोरिंग रोड के शिव मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर में शिव भक्तों ने गंगा किनारे रेत से अनोखा शिवलिंग बनाया। इन भक्तों का कहना है कि गंगा की रेत से शिवलिंग बनाना पुरानी परंपरा है। यूपी के मेरठ में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिव पूजा के लिए किस किस तरह से भक्तों की लंबी कतारें हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक देखते ही बन रही है। तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजे हुए हैं।